कटियारी क्षेत्र की गंगा व राम गंगा नदियों के बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है। दो दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से बिल्कुल टापू बनकर रह गए। चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई मदद नहीं पहुँच पाई है। SDM ने बाढ़ प्रभावित चंद्रमपुर गाँव का दौरा कर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा राम गंगा नदियों में आई बाढ़ से क्षेत्र के शिवालापुरवा, चंगापुरवा, दुलारपुरवा, कटरी छोचपुर, अदनिया के साथ ही आलमपुर, सुलखामऊ, जीवनपुरक, जवाहरपुरवा, निकामनपुर सहित एक दर्जन से अधिक गांव टापू बन गए हैं। हमारे यहाँ मामला ये है सर कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत भारी है और हमारे कोई आराम नहीं है और न कोई सरकार सुन रहा है और न कोई प्रशासन सुन रहा है। हम लोग बहुत बूढ़ा में हैं और ना ही कोई हमारे लिए कोई सुविधा है, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई गली है, कोई अधिकारी नहीं है, ना DM आया, ना SDM आया। सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC पूर्व BDC SDM साहब उन्हें रोका लेकिन रुके नहीं जी, गाड़ी भेजा जी, लेकिन जो करना सो करो, रुके नहीं। कटाव हो रहा है नदी पे, कोई अधिकारी आ नहीं रहा जी। सब आए लेकिन सबने बोल लेके SDM और तहसीलदार कोई यहाँ कोई आ नहीं रहे। तो मुझे सर किनारे हमारे घर बने नदी किनारे कटाव हो रहा और प्रधान यहाँ के कोई कुछ सुन नहीं रहा। गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया है। लोग घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। आलमपुर वादनिया गांव के बीच बनी सड़क पर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। इससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और भदार श्रीमाऊ तथा बेहतर से अरवल जाने वाले रोड के ऊपर पानी बह रहा है। बमरौली के सरकारी स्कूल में पानी भरने लगा है। वहीं गंगा और राम गंगा नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को कोई भी मुकम्मल सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। SDM अरुणिमा श्रीवास्तव ने बाढ़ से प्रभावित चंद्रमपुर गांव का दौरा किया। बाढ़ से गिरे एक दर्जन से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं SDM सवायजपुर अरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। हर एक विभाग से बाढ़ चौकिया पर कर्मचारियों की तैनाती की गई। छह बाढ़ पानी तो बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है, कटान भी बढ़ी है, लेकिन जहां भी जनता है, जो भी पब्लिक फंसी थी उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया। साथ ही जमीन भी चंद्रमपुर में कुछ लोग अपनी जगह होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी आज शिफ्ट करा दिया गया है सुरक्षित जगहों पे। हर विभाग से एक कर्मचारी है, राजस्व विभाग से, विकास विभाग से, पशु चिकित्सा विभाग से, चिकित्सा विभाग से 4 लोग हर बार चौकी पर लगाए गए हैं। मैम एक अदनिया गांव है, वहां पर एक चिरैया तालाब बात है, मोटर बोट स्टीमर हमारे जेई साहब लेकर के हमें हर समय घूम रहे। दरअसल स्टीमर कम है लेकिन है, और बोट भी है, सब गांव में बोट लगी हुई है और मरीजों के लिए हम 2400 घंटे तैयार हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा स्टीमर वहां तक जा करके सूचना केवल समय से मिल जाए, सारी व्यवस्था मिल जाएगी। थैंक यू।